देखिए जी, मुझे ना बात घुमा फिरा के करने की बिल्कुल भी आदत नहीं। हम अपने बेटे निहाल का रिश्ता आपकी बेटी बीना के साथ करने आए हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि बीना मेरी बेटी नहीं है, और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। अब तो हम उसका रिश्ता तय कर चुके हैं। आप रिश्ता कर चुकी हैं? जी, लेकिन निहाल ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो ये बताया है कि निहाल और बीना की आपस में बात हो चुकी है। बस क्या बताऊं आपको, मैं जल्दबाजी में जान छुड़ा रही हूं मैं उस लड़की से। है तो वैसे वो मेरी भतीजी, लेकिन अल्लाह की पनाह है, वो उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। आप जानते नहीं ना उसके बारे में, तो अपने बेटे के इसरार करने पे आप रिश्ता लेने आ गए। भुगता तो मैंने है उसे सारी जिंदगी, बस क्या बताऊं, एक पल भी सुकून का नहीं गुजारा मैंने जिंदगी में। जहन्नुम बना के रख दिया उसने मेरी जिंदगी। भी तो समझ में नहीं आ रहा आपकी सारी बातें, क्योंकि निहाल तो बहुत तारीफें कर रहा था उसकी हमसे। बस ये समझ लेना आपकी जादूगरनी है वो, जिससे मिलती है उसे मुट्ठी में बंद कर लेती है। अब आप इसी से अंदाजा कर लेना कि ऐन वक्त पर निहाल ने मंगनी से इनकार कर दिया। ना आप लोगों का सोचा, ना रिश्तेदारों का, ना उस बिचारी बच्ची का जो सात समंदर पार से आई थी, सगी खाला की बेटी, बचपन की दोस्त। क्या बताऊं मैं आपको, इस लड़की की वजह से तो मेरे सारे रिश्ते ही मुझसे रूठ गए हैं। लेकिन अब आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी शादी कर दूंगी उसकी। लेकिन अगर आप लोग इसरार करते हैं तो फिर मैं उन लोगों को इनकार कर देती हूँ। आप अपने बेटे से शादी कर लें उसकी, मेरा क्या है, मैंने तो जान छुड़ानी है अपनी, बस किसी से भी शादी कर दूंगी। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी अंकल। वालेकुम अस्सलाम। इसे तो आप जानते होंगे ना, ये है मेरी बेटी, सानिया नाम है इसका। जी, ये मेरी बेटी रमशा के साथ पढ़ती है, एक दफा आई थी हमारी तरफ। जी अच्छा 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 अब आप हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है इसमें, मैंने तो बस जो सच था ना वो आपको साफ साफ बता दिया है। अब आगे आपकी मर्जी, आप घर जाएं, अच्छी तरह से सोच लें, आपस में मशवरा कर लें। अभी तो मंगनी की है सिर्फ मैंने उसकी। जिस लड़की ने आपको इतनी तकलीफें दी हो तो वो हमारे घर में आके तो हमें दिन में तारे दिखा देगी, हम इसके बारे में अब सोच भी नहीं सकते। नहीं, आप एक दफा फिर सोच लें, कहीं ऐसा ना हो ना फिर आपका बेटा आप। अरे नहीं, आप फिक्र नहीं करें, हम अपने बेटे को समझा लेंगे, वो अब उसका नाम भी नहीं लेगा। अब हम चलते हैं। आप बैठती ना, चाय पी के जाते आप लोग। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जा ही रहे हैं। तुम भी ना हो ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लड़की के नाम पे एक धब्बा हो, अगर जरा सी भी शर्म है ना तुम में तो जाके डूब मरो। क्यों इसके मुंह लग रही है, चलो यहां से, चलो शर्म आ जाओ।